हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास 8th एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर है 6 और चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या, लेट अस सी, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। मतलब आपके जो ये फिगर तो बुक के अंदर राइट साइड में है लेकिन मैंने लेफ्ट साइड में बनाया है, तो ये फिगर्स जो है ये कैसे लाइक है और कैसे कैसे ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, समझ में आ रहा है आपको, ये बताना है। विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, और कौन सा बॉक्स सरफेस एरिया जिसका है वो लार्जर है, कौन सा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल यानी कि बॉटम और टॉप को छोड़ के बाकी जो एरिया होता है वो लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों जो फिगर है ये कैसे तो लाइक है और कैसे डिफरेंट है। लाइक ऐसे है कि दोनों की जो हाइट है सेम है, ये 7 सेंटीमीटर है और इसकी भी हाइट 7 सेंटीमीटर है, और डिफरेंट कैसे है कि ये डिफरेंट ऐसे है कि ये तो सिलेंडर है और ये क्यूब है। अब इसके बाद हमें इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, बोथ फिगर्स आर लाइक एज दे हैव सेम हाइट, और डिफरेंट कैसे है, और डिफरेंट इस प्रकार से है, डिफरेंट एज वन इज सिलेंडर एंड अदर इज क्यूब। तो ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब आगे करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया हमें इसका निकालना है सिलेंडर का। तो इन सिलेंडर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका 2πRh, हमें r और h, h तो आपके पास है, r निकालना पड़ेगा, रेडियस, रेडियस बराबर होता है डायमीटर बाय में 2, डायमीटर इसका है 7 अपॉन में 2, 7/2 हो गया, पॉइंटों में नहीं निकालेंगे इसको। हाइट है ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट जरूर लिखनी है, हाइट ये हो गई। तो लेटरल सरफेस एरिया, इसको सी एस से भी कह देते हैं, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2πRh, 2π की वैल्यू 22/7, अगर वैल्यू दे रखी हो तो आप पाई की वैल्यू वही रखेंगे, मान लिया 3.14 दे दिया आपको पाई की वैल्यू, तो आपको 3.14 ही रखनी है। 2πR, R 7/2h, 7 है काटेंगे, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, ऊपर बचा एक ये 22 और एक बचा 7, 22 7 जा होता है 154 स्क्वेयर सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, उसके लिए मुझे ऊपर मिटाना पड़ेगा, आपने देख लिया होगा, मिटा देता हूँ उसको मैं, इन क्यूब साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया इजगल टू क्या होगा, 4 साइड स्क्वेयर, ठीक है, 4 साइड है 7 × 7, 7 × 7 = 49, 49 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 × 9 = 36, 3 × 4 = 16, 3 × 19 = 196 cm². अब क्वेश्चन पूछा गया था किसका लार्जर है, अब देखिए ये 154 है, ये 196 है, तो यानी कि क्यूब का सरफेस एरिया क्या है, लार्जर है। तो यहाँ पर हम इस क्या स्टेटमेंट लिखेंगे आंसर के रूप में, क्यूब हैज लार्जर LATERL लेटरल सरफेस एरिया, और ये कैसे निकला, इसको हम नाम दे देते हैं 2, इसको नाम दे देते हैं 1, फ्रॉम
1 and 2। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन पूरा कर लिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो।